हेलो गाइस, पहले तो सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, जिद पूरी हो जाती है, सब घर पिता का साथ है। आज मैं छोटा सा ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जो कि हैप्पी फादर्स डे के अवसर पे है। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये गुड्डे बिस्किट एक पैकेट ली हूँ और ये 25 ग्राम यानी कि 4 चम्मच इससे चीनी लिए हैं और एक बड़ी चम्मच घी। तो ग्राइंड कर लिए हैं बिस्किट को और 1/4 नमक भी मिक्स कर देंगे और चीनी ग्राइंड करके लिए हैं। ये देखिए, इसको सारे मटेरियल को मिक्स कर देंगे और मिल्क से घोल बना लेंगे। मटेरियल को हम मिक्स करके इस तरह से घोल बना लेंगे मीडियम थिक। और एक बड़ी चम्मच मैं बॉर्नविटा को ग्राइंड करके मिक्स किए हैं ताकि चॉकलेटी कलर आए केक का। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले ही मैं गार्निश कर ली थी ऑयल और आटे छिड़क करके। इस टाइप के मैं वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर दूँगी केक बनाने की विधि। कुकर को मैं पहले ही गरम करने रख दी थी 10 मिनट तक और गरम हो चुका है। तो इसमें घोल डाल करके बर्तन में और इसे बिना रबर बिना ढक्कन के लगा देंगे। सॉरी, ढक्कन नहीं, सीटी, बिना सीटी और बिना रबर के इस तरह से बंद करके गैस पे हम 40 मिनट्स तक मीडियम में रख देंगे लो फ्लेम में। 40 मिनट्स या 45 मिनट्स रखिए। तो आप देख सकते हैं केक बनके तैयार हो गया है। हैप्पी फादर्स डे के अवसर पे मैंने बच्चों को बना के दिया था। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से, चाकू को चारों साइड से निकाल कर। आप देख सकते हैं केक कितनी अच्छी बनी है, स्पंजी। अब चलिए इसको डेकोरेट कर लेते हैं मक्खन से। अभी घर पर कुछ भी नहीं था तो मैं मक्खन मलाई का ग्राइंड करके इस तरह से डेकोरेट कर दी हूँ। थोड़ा सा ये पिघल गया है तो आप देख सकते हैं। हैप्पी फादर्स डे मैं लिख दी थी और इनके पापा को पता भी नहीं था बच्चों के। तो आप देख सकते हैं चाट पापड़ी बनी है घर पे फादर्स डे के अवसर पे। चाट पापड़ी की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ये भी मैं डाली हूँ रेसिपी, तो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और चलिए अब मालपुए दिखाती हूँ। ब्लॉग कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।